दोस्तों, किले के ऊपर एक बहुत गहरा कुआं है जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हैं और इसके दीवार पर कई चिन्ह बने हैं तरह तरह के, जो प्राचीन भाषा की तरफ संकेत करते हैं, जो इस कुएं की और रहस्यमयी बनाता है। इस कुएं का पानी गंगा नदी से मिला हुआ है जो अंदर ही अंदर कुएं में आता है। यह कुआं कभी सूखता नहीं है। यह प्रसिद्ध कुआं जहाँ पर रानी स्नान करने के लिए आती थी। कुएं के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, अतः कुएं में प्रकाश आए इसलिए कुएं की दीवारों पर पत्थर पर मशाल रखने का भी स्थान बना हुआ है। कहा जाता है कि संकट काल में गुप्त वार्तालाप करने के लिए बनाया गया था यह कुआं। लोगों को इसके सुरंग होने का भ्रम होने लगता है। ये सर जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं बावली। इसको बनवाया था नेपाल के राजा 1333 में अपनी लड़की के स्नान करने के लिए। ये पूरा पहाड़ काट के कुआं बनाया गया है, 200 फीट गहरा। जो इस नीचे में जो सर जो खिड़की टाइप के देख रहे हैं ना, जो नीचे में सर खिड़की टाइप के देख रहे हो, दो बनाया गया था कि इस साइड में और एक इधर में। यहाँ पहले महिलाएं सैनिक पहरा देती थी। जो नीचे में पत्थर कटे कटे सीढ़ियाँ देख रहे, बगल से अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया है जिस रास्ते रानी कुएं के अंदर आती थी पालकी से स्नान करने के लिए। जो पीछे में सर देख लीजिए, इस साइड में बनाया गया है। देवाल इतने होल टाइप के देख रहे हैं ना, देवाल इतने होल टाइप के देख रहे हैं। पहले तीर छोड़ते थे रानी सुरक्षा के लिए। बगल से अंडरग्राउंड पर रास्ता बनाया गया है 5 मोड़ का। आई सर आगे में रास्ता दिखला।